नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम केतन कालेब है और आज नए ब्लॉग के साथ में फिर उपस्थित हूँ। तो अभी मैं हूँ बंडा पहाड़ के पास। तो अभी हम आपको बंडा पहाड़ दिखा रहे हैं और आज कुछ नया कुछ दिखाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, ये है बंडा पहाड़ और अगल बगल में बहुत ही अच्छा खेती, सेम का लरंग, फूल गोभी का खेती। ये आपका फूल गोभी का खेती है, जूम करके दिखा दिए। और ये पूरा लंबा सा पहाड़ पहाड़ है जो मेरे घर तक जाता है। सोच लीजिए कितना लंबा चौड़ा पहाड़ है। रास्ता से हमको जाना है नामधारी कॉलेज तक। तो अभी हम जाएंगे नामधारी कॉलेज तक। ये गांव में मेरा सिम उम नहीं बिका, तो अभी आगे बढ़ते हैं इस जगह से। दोस्तों, कल तो बंदर लोग नहीं आया केला दिखाने पर। हो सकता है आज बंदर लोग आए, तो मेरा केला का साइज थोड़ा सा बड़ा है। ये देख लीजिए, इतना बड़ा केला आज लेके आए हैं। अगर बंदर मिल गया तो आज बंदर को दिखा के देंगे। तो दोस्तों, हमको बंदर तो दिख गया है, अब ये केला उस तक पहुंचाना है। बोलता है कि बंदर को केला काफी पसंद है। गाड़ी उड़ी हम साइड में लगा दिए हैं और अभी हम रेलवे ट्रैक में चल रहे हैं। ये देखिए, हमारे पीछे रेलवे ट्रैक है और काफी दूर बंदर है। तो बंदर हमारे काफी दूर है, इसको तो बंदर को हम केला दिए कि आज रहेंगे, कल नहीं दे पाए थे। दोस्तों, बंदर भागते जा रहा है। ये तो गजब हो गया, अब नहीं जा पाएंगे, बंदर को नहीं केला देंगे। लेकिन है, दो तीन बंदर है, चलना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ये देखिए, हाथ में केला और बंदर वहां। ओ दे, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, केला 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 ले ले, बंदर ले 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 ले। ये तो चढ़ गया, लेकिन लेगा कि नहीं लेगा? ओ बंदर, केला केला, टुकड़ा देंगे तो शायद आ सकता है। ले, ये तो पूरा ऊपर चढ़ गया बंदर। देंगे तो हाथे में देंगे, नहीं तो घर जाएंगे। तो बंदर के मुंह में पानी आते आते रह गया और हम काफी दूर आ गए, दे नहीं सके। अब इस केला को हम ही खाएंगे, बंदर को नहीं खिलाएंगे। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं शहर। यहाँ पर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और हेमंत सोरेन आए हुए हैं। तो अभी आपको हेमंत सोरेन का कुछ वीडियो दिखाते हैं। हेलीकॉप्टर ऊपर से फूल बरसा रहा है। हेमंत सोरेन का गढ़वा में प्रोग्राम आज। आदित्य बिरला एक फैक्ट्री है जहाँ से लोग चाहते हैं कि हमारा नौकरी हो जाए। मंच के सामने जल्द से जल्द जाने का काम करेंगे। हेमंत लकड़ा जी, रतन सिंह जी और रंका के प्रखंड आशीष गुप्ता जी, आप जहाँ कहीं भी हो और मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो आप विश्रामपुर टीम को स्वागत गान के लिए मंच के सामने खड़ा करेंगे। ये हेमंत सोरेन का अभिनंदन नहीं, समस्त झारखंड की मिट्टी का अभिनंदन है। एक बार ताली बजा करिए आप लोग और आभार प्रकट करते हैं एक बार फिर से सुशील के स्वागत का। और अक्षरा से जी भी गाती है और बेहतरीन गाती है भैया। भाई कहते तो बड़ी अच्छा लगी, अभी आप लोग बैठ जाएंगे बड़ा अच्छा लगेगा। हेलो, देखिए हाथ जो से बैठ रहा है बैठ जाइए।
माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने खतिहानी जोहार यात्रा का शुभारंभ भारत इस पावन भूमि से करने का सौभाग्य हमें दिया है। हम इस क्षण को कभी नहीं भूल सकते। ये अविस्मरणीय क्षण और ये खतिहानी जोहार यात्रा का शुभारंभ पावन में खतिहानी जोहार यात्रा यहाँ का माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी और गठबंधन के हमारे मंत्री जी के कर्तव्यों द्वारा किया गया। लोकप्रिय मुख्यमंत्री, गरीबों, पीड़ितों, मजलूमों, किसानों, दोस्तों हम घर आ चुके हैं। यहाँ पर अक्षरा सिंह जी आई हुई थी, जो भोजपुरी के सुपरस्टार है, उनको देखने के लिए काफी ज्यादा भीड़ था और इसी क्रम में इतना भीड़ और धूल उड़ रहा था तो हम वहां से निकल गए। हेमंत सोरेन को हमको देखने का बहुत मन था, जो कि हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हुए थे, आए हुए थे, लेकिन वैसा सौभाग्य हमको नहीं मिला। कहे कि इतना भीड़ आया हुआ था ना, बहुत देहात से लोग आए हुए थे, पूरा समझ लीजिए ट्रैफिक को रोका गया था, नो एंट्री लगाया गया था, पूरा भीड़ भीड़ था। हम 2 किलोमीटर चले सिर्फ देखने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नेक्स्ट बार फिर मौका मिलेगा, ऐसा प्रोग्राम गढ़वा में कभी नहीं हुआ था। हाँ, लेकिन व्यवस्था थोड़ा सा ढीला ढाला था, प्रशासन में कमी था, ये सब सोचने का विषय है। अगला बार अगर प्रोग्राम होगा तो ये सब पे ध्यान दिया जाए। और बाकी बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा, गढ़वा का जनता के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसना ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो दोस्तों ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, मेरा चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कुछ ना कुछ हम आपको हमेशा नया दिखाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और बंदर तो आज केला नहीं खा पाया, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि केला बंदर के हाथ में दे। तब तक के लिए बाय।